साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं हूं वलीदपुर गांव में पंकज भैया जी के पास में, जो कि पिछले साल किर्लोस्कर कंपनी का पावर वीडर लेकर आए थे 8.5 HP वाला। पिछले साल ही लाए थे ना भैया जी? हाँ जी। तो अभी भैया जी से पंकज भाई से मिलवाते हैं आपको। और जो हमारे गन्ना किसान हैं काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी का पावर वीडर लेना चाहिए, तो आज जो है इस पावर वीडर के बारे में पूरी जानकारी हम पंकज भाई से लेंगे, जिससे हमारे किसानों को मदद मिल सके और उन्हें सही पता चल सके कि हमें कौन सा पावर वीडर इसमें लेना चाहिए। तो भाइयों 28 इंची का खेत है ये, और 28 इंच के खेत में देखो मोथा ज़्यादा हो गया खेत में। तो किसान जो है पहले एक बार ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं और दूसरी बार जो है इसमें ये पावर वीडर चल रहा है किर्लोस्कर कंपनी का, जो कि मोथा घास को भी बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से रोड़ने का काम कर रहा है। भाइयों इसकी जो रूट भी है वो 28 इंची पे सेट कर रखी है। भाइयों इसका एक तरीका है, अगर खेत सूखा होगा तो ये आगे को भागता है थोड़ा दबाने पे। इसके लिए बिल्कुल सही समय पे खेत की जुताई होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी काम है। तो अभी मैं पंकज भाई से मिलवाता हूँ आपको, थोड़ी सी लेंगे इनसे जानकारी। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा पंकज भाई पहले तो अपना परिचय दो जी आप किसान भाइयों के लिए। मैं पंकज अलावत बलीपुर से जी। अच्छा अच्छा जी। तो ये पंकज भाई कितने दिन पहले लिया आपने? ये मुझे 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए जी, जी। अच्छा अच्छा, तो अपने दुराड़ा एजेंसी से लिया जी आपने? हाँ जी, दुराड़ा। अच्छा, जैसे आप 2 साल से इसे चला रहे लगभग, तो इसमें मतलब कोई समस्या आई आपको? नहीं, वैसी कोई समस्या नहीं है जी। जी मेंटेनेंस भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, जैसा कुछ किसान बता रहे चरला गाँव में, मेरे पास फोन आया था, वे बता रहे कि हमारे का 2 बार इंजन हो लिया, तो ऐसी कोई शिकायत आपके में भी आई? नहीं नहीं, वो चलाने के ऊपर बात है जी। अच्छा अच्छा, इंजन ये घंटे में भी मांग जाएगा 20 खेत में जी। जी अगर इसे जो है सही तरीके से नहीं चलाया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका बिल्कुल फिट चल रहा जी? हमारा बिल्कुल फिट चल रहा, जैसी जैसी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी हम एजेंसी ने। जी जी जी। हम इसकी सर्विस वो कहते हैं कि जी 70 घंटे में करा लो, 80 घंटे में करा लो। हाँ जी, 60 घंटे में करा लेते हैं। अच्छा, पहले करा लो आप? पहले ही करा लिया था। बिल्कुल मशीनरी की देखो देख रहे हैं कि सबसे पहले है। अच्छा, इसमें जो है जो इसका एयर फिल्टर है जी जी, उसमें तेल की इंस्ट्रक्शन है, इसमें तेल देखते रहा करो जी जी जी, क्लीन रखो। हाँ जी, वो थोड़ी सी जानकारी है, बाकी तो कोई दिक्कत है इंजन में जी जी। अगर भैया कीमत की बात करें तो 1.5 लाख के? ये 1.5 लाख का, 1.5 लाख का आया था जी। तो छूट वगैरह का भी कुछ नहीं हुआ? छूट वगैरह का हमने तो ये था कि वो कह रहे थे सब्सिडी का चक्कर था जी जी, पर वो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम। अच्छा अच्छा, और फिर मैं सब्सिडी में फिर दुनिया भर का झंझट था। हाँ जी हाँ जी, वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा था। हाँ जी हाँ जी, तो वारंटी तभी बनती है जब बिल बनेगा, तो जी जी हमने भी बिना सब्सिडी के ले लिया। अच्छा अच्छा, तो जी आपको कोई समस्या नहीं आ रही, काम बढ़िया कर रहा है इसमें कोई समस्या? कितनी चौड़ाई तक गन्ना जुताई कर सके जी? ये तो जी 30 इंच तक कर सके, और बाकी बढ़ भी सके इसका जो है। रोटावेटर बढ़ा लो? हाँ, 42 इंच तक किसान कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों एक बार मैं रुकवा के थोड़ी सी पावर वीटर भी आपको दिखवाना चाहूँगा, एक बार बंद करवा लीजिए, थोड़ा सा इनसे भी पूछेंगे जो चला रहे, देखो ये बताएंगे कि वाइब्रेशन वगैरह है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा, तो जी इसमें थोड़ा सा बताओ आप इसके बारे में फिर भी थोड़ा सा, जैसे इसमें कितने गियरों में आता है जी? ये है जी 3 गियरों में। अच्छा अच्छा, 3 गियरों में जी। तो जैसे आप रोटरी पे चला रहे तो इसमें कौन से गियर में चलेगा? दूसरे गियर में चलेगा जी। पहले गियर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? पहले गियर की तो ऐसा है कि जैसे मान लिया स्लो मोशन में काम करना आ गई जी जी जी, आराम से चलाना है। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा राउंड ज़्यादा हो जाएंगे उसके जी जी, ठीक है। अच्छा जी, और स्पीड हो जाएगी कम। अच्छा जी अच्छा, लेकिन दूसरा गियर प्रॉपर बड़ा अच्छे तरीके से काम करे जी, इसमें दूसरे में ही चले। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बाकी इसके साथ में इसका कल्टीवेटर भी था। अच्छा अच्छा, वो कल्टीवेटर 5 करोड़ वाला? हाँ। उस पर चला के देखा आपने? वो हमने चला के देखा था पिछले साल जी जी, तो उसने काम ठीक करा। अच्छा अच्छा, पर ये था कि इसे बदलने में थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है, बोल्ट वगैरह खोल कर जो है वो करना पड़े, बाकी उससे वही कल्टीवेटर का रिजल्ट है, इससे अच्छा रिजल्ट है रोटरी का, तो हमने फिर वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में भी जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप खेत में लाने ले जाने के लिए मतलब इसमें दिक्कत आती होगी, कैसे ले जा रहे हैं? खेत में इसकी स्पीड अच्छी ऐसी है कि लगभग 20 तक की स्पीड का पहुंच जाएगा ये। 20 तक की स्पीड पर? तो मतलब ले जाना तो पैदल पड़ेगा ना? चलना तो पैदल ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करके आओगे बाकी। जो ज्यादा दूर के खेत है हाँ जी, वो उसमें बुग्गी या ट्रैक्टर से ले लें। अच्छा, इसका 3 पहियों का जुगाड़ भी तो बनाया था ना? वो 3 पहियों का है इसमें जी,
पर बाकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने जो सोचा नहीं था जी जी कभी जो है हम इसे जो है इतनी दूर ले जाएंगे जी। और बाकी अगर किसी ने बाहर ले जाना है तो वो अपनी व्यवस्था करके ले आवे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले जो है दुराले गांव में थे हाँ जी धीरेन्द्र सिंह जी जी, वो लेके गए थे। अच्छा अच्छा। 25-30 बीघे खेत जुतवाया था अपना जी जी। तो आपका मतलब आप किराए पे चलवा रखा आपने? किराए पे क्या, हमारा तो जो लगा रहे अपना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। वो इसने चलाया, बोला जी मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, तो ठीक है मगर इसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसका भी फायदा हो। देखो किसान को कर लेना चाहिए, बिना कर तो कुछ नहीं है। तो एक चीज बताओ, जैसे हमारे गन्ना किसान 42 इंची पे ट्रेंच विधि से गन्ना लगा रहे, तो देखो उसके लिए तो मतलब ठीक रहेगा। उसके लिए जैसे ये है इसका जी जी, ये रोटरी शाफ्ट है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ ये तो मैंने थोड़ी कम करा दी थी, क्योंकि अच्छा, हमारे यहाँ तो ज्यादातर हमारे वलीदपुर के जंगल में तो ज्यादा ऐसे ज्यादा 28 इंच वो भी 26 भी बढ़ा दिया, अब तो 28-30 पे करने लगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है ये शाफ्ट यहाँ तक 30 की। अच्छा अच्छा। और बाकी वहाँ पे जो है एजेंसी पे है, हाँ जी, से और भी बढ़ाना चाहे तो इतनी भी बढ़ सकती है। हाँ ये 42 से 48 इंच तक मतलब काम कर देगा कुल मिलाकर। हमारे तो ये जो पीछे खेत हैं। हाँ जी हाँ जी। ये जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जी जी, यहाँ पे ज्यादातर सब्जी का काम होता है। अच्छा अच्छा। तो उनके तो वही 42 से 43 इंच के बीच में जो है क्यारी थी। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने तो जो है पिछले साल हमारा इस्तेमाल कराया था इसे। अच्छा अच्छा। तो वो बड़े संतुष्ट थे जी, क्योंकि मिट्टी भरी होगी, फावले से उन्हें चढ़ाने में भी कोई दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा भैया इसमें जुताई कर रहे हैं, पहले टीलर निकाल दिया, मतलब इसमें मोथे को भी मतलब हला रहा है बिल्कुल, है ना? हाँ जी हाँ जी। ये तो ये था कि खेत एक तो थोड़ा सा सूखा हो गया 2-3 दिन से। हाँ जी हाँ जी। और बाकी जैसा ये है जी जी, अब कल्टीवेटर क्या करेगा इसकी जो मिट्टी के समेत इसे पलटेगा। हाँ, तो दोबारा तैयार होगा। बिल्कुल। ऐसा क्या करेगा इसे जड़ समेत बाहर निकाल दे जी जी जी। मोथे पे जैसे ही धूप लगी। हाँ जी, इसकी कहानी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसमें मतलब कुल मिलाकर आपको कोई समस्या नहीं आई, बढ़िया काम कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी जी। जैसे आप देख रहे हो कि मोथे की स्थिति इधर खेत में जी जी, और वीडियो में तुम इधर देख लो जी जी। तो भाइयों मैं थोड़ा सा एक बार मैं भी चला के देखूंगा आज इसे, तो आपको वो भी दिखाते हैं थोड़ा सा किस तरीके से काम करता है। तो भैया जी एक बार करो जी से स्टार्ट। मैनुअल तरीके से है? हाँ जी मैनुअल। थोड़ा सा गियर बताओ जी, ये रेस होगी इसकी जी। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंशियल हो गया इसका। अच्छा अच्छा, डिफरेंशियल ये हो गया। ये यहाँ गियर हो गया जी। जी जी। अच्छा रोटरी का गियर अलग है इसमें। अच्छा अच्छा। और ये अच्छा ये क्लच है। ठीक ठीक, लगाओ जी एक बार गियर लगा के दिखाओ थोड़ा। अच्छा अच्छा, रोटरी गियर अभी बाद में लगाओगे आप? भेज देंगे। बस रोके रोके देख बस रोक। ये हमारे शिवाज भाई, हाँ ये तो हाँ ठीक आ रही कह रहे जी। तो भाइयों मैंने भी देखो चला के देखा, तो इसमें मैं थोड़ी सी बताऊँ दिक्कत क्या आ रही। ये जो है ट्रैक्टर से जो जुताई हो रही, तो इसमें डड़े पट रहे, तो इसमें पहिया जैसा ऊपर नीचे आ रहा, तो थोड़ा सा इस वजह से हल रहा, बाकी के चूड़े खूड में अच्छा काम करेगा। तो भाइयों आज जो है पूरी जानकारी भी दिखा दी आपको पावर वीडर के बारे में। तो वीडियो आपको भाइयों जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइयो। नमस्कार।